विश्व भर में चाइनीज वायरस फैलाने के बाद जब कम्युनिस्ट चीन पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है, ऐसे समय में हमारे देश के वामपंथी नेता अपने बिलों में दुबके बैठे हैं। उनकी ओर से अभी तक इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह कम्युनिस्ट विचारधारा पहले भी विश्व के अनेक देशों में क्रूरता की सभी सीमाएं लांघ चुकी है। फ्रांस के विद्वान प्रोफेसर स्टीफन कॉर्टियूस अपनी पुस्तक ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म में तथ्यों और आंकड़ों के साथ वामपंथी विचारधारा और नेतृत्व का क्रूर चेहरा सामने ला चुके हैं। इसके अनुसार दुनिया की वामपंथी सरकारों द्वारा की गई हत्याएं करोड़ों में हैं। चीन की वामपंथी सरकार ने 6 करोड़ से अधिक नागरिकों की हत्या की। कंबोडिया में वामपंथी विचारधारा ने 20 लाख लोगों को मारा। उत्तरी कोरिया में 20 लाख और लैटिन अमेरिका में 1.5 लाख हत्याएं वामपंथी सरकारों द्वारा की गईं। वर्तमान में इस विचारधारा ने चाइनीज वायरस बनाकर क्रूरता की सभी हदें पार कर दी हैं। 150 से अधिक देशों में फैल चुका ये वायरस, जिसने हजारों मासूमों की जान ले ली, वो चाइना की वामपंथी सरकार की ही देन है। अमेरिकी पत्रिका नेशनल रिव्यू ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में बताया है कि लंबे समय तक चीन ने अपने इस वायरस को दुनिया से छुपाए रखा। इस वायरस का पहला मामला 1 दिसंबर 2019 को सामने आया और देखते ही देखते इसने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। चीन के चिकित्सक ली वैलियांग ने जब लोगों को चेताने का प्रयास किया तो वहाँ की वामपंथी सरकार ने उन्हें प्रताड़ित किया। 14 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन का साथ देते हुए वक्तव्य जारी किया, जिसमें चीन के झूठे कथन को दोहराया गया कि ये वायरस आदमी से आदमी में नहीं फैलता। चाइनीज वायरस के बारे में सबसे पहले चेताने वाले डॉक्टर ली वैलियांग की मृत्यु 7 फरवरी को वुहान के अस्पताल में हो गई। चीनी अधिकारियों ने इसका कारण कोरोना वायरस को बताया, परंतु विश्व की प्रमुख संस्थाओं को अंदेशा है कि उनकी हत्या हुई है। विश्व भर में चाइनीज वायरस के कारण हो रही मृत्यु वास्तव में हत्या ही है, जो चीन द्वारा फैलाए गए एक प्रकार के जैविक हथियार से की जा रही है।